जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के अंतिम ओवर में 10 रन जब भारत को चाहिए थे तो दिनेश कार्तिक से ये कहकर रोहित शर्मा ने लगवाए थे छक्के कि सुनने के बाद अब दिनेश कार्तिक का बयान आपको भी नहीं होगा यकीन। तो दोस्तों आखिरकार क्या रोहित शर्मा पर बड़ा खुलासा कार्तिक ने किया है वो तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक में से कौन है एक अच्छा फिनिशर बल्लेबाज, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कि दो चीर प्रतिद्वंदी टीम है, अब इन दोनों ही टीमों के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज के 2 मुकाबले सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं, जहां एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो वहीं एक मुकाबले में हमारी भारतीय टीम जीत हासिल कर पाने में कामयाब रही। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में मैथ्यू वेड की 43 तो वहीं एरन फिंच की 31 रन की पारी की बदौलत 90 रन बनाए थे, तो वहीं जब भारतीय टीम 91 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी तो रोहित शर्मा के बल्ले से खूब रन बरसते हुए नजर आए जिन्होंने आज 20 गेंदों में 46 रन बनाए। तो वहीं दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक ने अंतिम ओवर की 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने ये जो 10 रन बनाए थे 2 गेंदों में जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी बाउंड्री की, तो दोस्तों ये बाउंड्री दिनेश कार्तिक को ऐसे ही नहीं मिल गई। दरअसल दिनेश कार्तिक ने अब इस बात पर बड़ा खुलासा करते हुए एक ऐसी पोल पट्टी खोली है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर दिनेश कार्तिक जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान अवार्ड लेने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि ये मुकाबला हम दोनों ही टीमों के लिए शानदार और यादगार मुकाबला है। 8 ओवर के मुकाबले अक्सर आपको पता नहीं होते कि परिणाम कहाँ जाकर छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम मुकाबला शुरू करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हम मैच जीतेंगे और ऐसी उम्मीद अपोजिशन टीम को भी होती है, लेकिन इन 8 ओवर के मुकाबलों में अगर हमारी टीम के खिलाड़ी आउट हो जाते और हमारी टीम रन नहीं बना पाती तो शायद ये मुकाबला कहीं और जाकर रुकता। लेकिन रोहित भाई ने आज जो पारी खेली वो सराहनीय थी। हालांकि अंतिम ओवर की 2 गेंदों पर जो मैं 10 रन बना पाया वो भी रोहित भाई की बदौलत, क्योंकि अंतिम ओवर में जब रोहित भाई ने मेरे से पास आकर बोला कि मुझे बस बड़ा शॉट खेलने के लिए ही जाना है तो यहाँ पर मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि जब कप्तान आपसे कुछ करने के लिए बोले और आप ना करें तो कप्तान के अंदर एक गलत इमेज बनती है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हालांकि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी रोहित भाई की बात मानी और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनियल सैम्स की गेंद पर एक छक्का लगाते से ही रोहित भाई ने फिर अगली एडवाइस मुझे दी कि मुझे लेग साइड पर इस शॉट को जरूर खेलना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने करा और इस मुकाबले को हम जीत गए। तो ऐसे में यहाँ पर रोहित शर्मा हर वक्त अपने खिलाड़ियों का साथ देते हैं और बताते रहते हैं कि आखिरकार हमें कब कहाँ कैसे बल्लेबाजी करनी है, और रोहित भाई जैसा कप्तान तो शायद भारतीय टीम को मिलना बहुत मुश्किल है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद तो मेरे लिए एक अच्छे कप्तान के रूप में मैं रोहित शर्मा को दूसरे नंबर पर मानता हूँ। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने खूब जमकर तारीफ करी रोहित शर्मा की। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने बड़ा खुलासा ये अंतिम ओवर के रोमांच के ऊपर करा। बाकी अब आप सभी की क्या राय है दिनेश कार्तिक द्वारा किए गए इस खुलासे के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।